मंडल में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण गीता का आरंभ हो रहा है। हम आदरणीय डॉक्टर साहब से आज इस गुद्ध गीता पे अपना स्वानुभव रखने के लिए उदय पांडे जी उपस्थित है। उनकी प्रार्थना है कि अपना स्वानुभव प्रारंभ करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेह सचराचरं तद्पदं दर्शितमेह तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस बी चांदेकर सर, परम पूज्य माता श्री मैडम और हमारे विभूति स्वरूप जो इस गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए सभी का अभिनंदन करते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण जो बुद्ध गीता है उसका हम लोग आज मनन करेंगे सत्र के माध्यम से। भगवान श्री मायना चैतन्य जी ने ये बुद्ध गीता बुद्ध चालीसा 40 श्लोकों में संपूर्ण निचोड़ हम सभी को प्रस्तुत किया है। तो भगवत गीता जहाँ पर वाच पद पर वह समाप्त हुई थी उसके आगे मतलब हमें उस वस्तु भाव की त्रिपुटी परब्रह्म पराशक्ति को अभी इस चालीसा के माध्यम से हमें प्रकाश दिया हुआ है। जहाँ पर हम लोग सर्वांग योग में देखते हैं कि आगमन पद्धति के माध्यम से मतलब सरल से कठिन की ओर त्रिपुटी जो आपका वाच्य से अवाच्य की ओर जाती है वहाँ वहीं पर बुद्ध गीता में भगवान ने पहले निगमन पद्धति कि वस्तु का जो अवाच्य पद है पराशक्ति परब्रह्म और किस कारण से यह समस्या जीव को होती है उसका और फिर अवतार के प्रागट्य का क्या कारण है और अवतार के जो कार्य हैं इन सभी को इन चालीसा के माध्यम से भगवान ने हमें प्रस्तुत किया है, हमें वह अनुभव प्रदान किया है। तो जैसे सुनो सुनो सतप्रिय सजन सुनो छाणी ब्रह्म भेद गुप्त रहस्य प्रकाश यह दृढ़ भारे नहीं खेद। सभी को जो ये गुप्त रहस्य जो गौतमम शास्त्र है यह भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। और दूसरा जो इसका श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजानंद अस्तित्व में स्पुरण रूप जो भाव पराशक्ति अक्षर यही माया वस्तु स्वभाव। तुझे निजानंद तो जो अहम स्फुरण सर्वत्र हमें अनुसूत दिखना अर्थात सर रूपों में मैं ही हूँ यह निश्चय ही निजानंद है। अस्तित्व अर्थात उसका जो स्वभाव है पराशक्ति और स्फुरण क्या है एको अहम बहुश्याम जो हो जाना है यही पराशक्ति अक्षर यही है। कि वस्तु भाव की त्रिपुटी पे अगर हम ध्यान देते हैं तो परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान पर और पराशक्ति अक्षर के स्थान और माया वस्तु स्वभाव इसी को पराशक्ति को मूल माया कहा गया है और ये वस्तु का स्वभाव है जो परब्रह्म का जो स्वभाव यह पराशक्ति है यही ध्यान का ध्येय है दर्शन भाव अनन्य। तो जो जो ध्यान का जो गोल है यही ध्यान का ध्येय है मतलब यहाँ पर हमें वस्तु भाव तक हमें पहुँचना है और दर्शन भाव अनंत जो वास्तविक दर्शन होना है अनंतता परम आनंद की स्थिति यही है। और क्षेत्रन में क्षेत्रज्ञ और यही रूप चैतन्य तो क्षेत्रज्ञ पाया यही जो हम लोग नर्मदा लहरी में अनुभव ग्रहण करते हैं कि स्वयं पुरुषोत्तम रूप नारायण सदगुरु क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का साक्षी होने से अपने स्वयं संवेद जो अवाच्य मतलब परम ब्रह्म पराशक्ति और वाच्य त्रुटि रूप चार अक्षर पुरुषोत्तम इन दोनों पदों को प्रकाशित करते हैं। और यही रूप चैतन्य चैतन्य यही मतलब कि जब ये संपूर्ण आल सभी जो अस्तित्व है
यह मतलब हमें अनुभव हो जाता है कि मेरा यह स्वरूप है, तो जो आस्तिक पद पुरुषोत्तम पद की यह स्थिति है। इसी को श्रुति संत जन माया सूक्ष्म बताए त्रिगुण त्रिविध कल्पना भेद से त्रिगुण रूप बन जाए। जहां तक अभी क्या है, व्यस्त शेड्यूल होने के कारण जहां तक हमारा मनन हो पाए इस पद पे उतना हम प्रस्तुत करेंगे। तो जो श्रुतियों में हमारे वैदिक वाणिवय में इसी माया को सूक्ष्म बताया है, सूक्ष्म अहंकार, और त्रिविध कल्पना भेद से, जो त्रिविध कल्पना, ये दृश्य दृष्टा दर्शन, ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय कारण स्थूल सूक्ष्म क्षर अक्षर, तो ये त्रिगुण रूप बन जाए। तो ये त्रिगुण रूप जो हमें बन जाता है, और यही जगत के देव हैं ब्रह्मा विष्णु, जो सत्र स्तंभ हैं, इनको हम एक विभूति स्वरूप रूप में, जो प्रचलन में हमारे यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, और इसी के कारण भया माया वैभव से, इन त्रिगुणों के कारण ही जो हमारा संपूर्ण योग ऐश्वर्य था विराट, फिर हम फ्रेगमेंटेड मतलब हम खंडित अस्तित्व में पड़ जाते हैं, और हमें अपना संपूर्ण वैभव का अनुभव ना हो करके हम खंडित भावना में, मैं तू की भावना में फंस जाते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पर रखा हुआ है कि यह जो क्राइसिस जो होती है हमें, तो ये इस यही जगत के देव है ब्रह्मा विष्णु में, जो त्रिगुणों की भावना में। इसलिए भगवत गीता में जब भगवान एड्रेस करते हैं अर्जुन को कि त्रिगुण विश्व वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना, कि जब तक इन गुणों का आप साक्षित्व नहीं है, उस अक्षर आत्म तत्व की वो अनुभव नहीं होगा, तो फिर क्या है कि हमें यही रहेगा कि मैं मार रहा हूं और वो मर रहे हैं, और बाकी सब इसी में इनका डिटेल है। तो अब जब हम त्रिगुणों की भावना में फंस जाते हैं, तो जब सत सुख उपजे नहीं फलधी से जगमाए, तब लागे निज मूल को ढूंढन मन ही मन माए। फिर हम जो सकाम भावना, वैष्टि सुख भावना के बहुत तरीके के विधि विधान, यज्ञ दान तपादि बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, परंतु तो फिर लेकिन हमें मतलब जो सच्चा सुख है, हमारा आनंदमय सुख है, परमानंद है, वह हमें नहीं मिलता है। तब लागे निज मूल को, तब हम अपने जो निज मूल हो को, फिर वो हमारे मन में सर्चिंग होती है कि हमारा निज मूल क्या है। फिर इस जब भावना हो जाती है, तो जो सर्वांग योग का सदगुरु के द्वारा हमारा डायरेक्ट विजन जो हमारा वो शुरू होता है, जो प्राकृतिक पूजा उपासना है हमारे ज्ञान पंच ज्ञानेन्द्रियों मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, हमारा जो विराट स्वरूप का हमें दर्शन होता है, इसको आगे भगवान ने इसमें दर्शाया है। परा लक्ष्य उपलब्धि निज अपरा वृष्टि विकार, जह दो भावना यह कल्पना वही वेद आधार। तो जो परा लक्ष्य क्षर विराट का हमें लक्ष्य होके, और मतलब अक्षर आत्म तत्व का लक्ष्य हो करके, अपरा वृष्टि विकार क्षर विराट का हमें लक्ष्य होता है, इन दोनों जो भावना है इनका लय हो जाते हैं कि दृश्य साकार वो भी है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी हो जिसको सर्व है कहा। तो वो हम पुरुषोत्तम भाव कि हमें यहाँ पर अनुभव होता है, तो हमें यह निज का जो वैभव है, निज का स्वरूप है, वो हमें अनुभव आता है। इस प्रकार सत रूप है लखन हेतु श्रुति गाय, और त्रिपुटी भाव में कल्पना छाणत ही भ्रम जाए। तो जो त्रिपुटी रहित भाव जैसे ही होता है, तो हमें एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। तो हमें वस्तु जो अपना स्वरूप है विश्व वस्तु का, हमें वस्तु दर्शन तब हम वास्तविक रूप से हो जाता है। भगवान ने पुरानी वानगी भी रखी है कि पूरा अवतार का उन्होंने कार्य भी इस बुद्ध चालीसा के माध्यम से प्रस्तुत किया कि पांच जन द्वारा कहो गीता कथी जग मां, मुक्ति की न सब कहूं सुलभ देश समय कछु नाहि। तो मतलब जो पांच जन के द्वारा, मतलब भगवान भगवत गीता के द्वारा भगवान ने जो कृष्ण पूर्व के अवतार में इसी जो मुक्ति का मार्ग, और यह सर्वदेशिक देश समय का चुनाव, सर्वदेशी सर्वकालिक सर्वसमावेशक यूनिवर्सल वस्तुनिष्ठ कॉन्सेप्ट है, और यह विज्ञानमय है।
अब लेकिन क्या हुआ कि बहुत काल बीत जाने के कारण भेदनता को लग किए उदर हेतु बहुपंथ। तो फिर हम देख ही रहे हैं कि अब उदर निमित्ता बहुकृत भेषा। आज के समय पे हमारा जो वास्तविक धर्म जो उपासना है ये इसकी ओर ध्यान न दे करके मतलब उदर निमित्त बहुत तरीके के मत पंथ संप्रदाय हम जिन क्षेत्रों में सभी लोग जुड़े हुए हैं ये सब हम लोग काल गति देख ही रहे हैं और अपने आप को बहुत तरीके के फलाना मंडलेश्वर 1008 गुरु आदि आदि और लखे भेक में संत। तो जो मतलब आज जो पहचान हो गई कि जो कपड़े के द्वारा कैसे कपड़े पहने हुए हैं उनके द्वारा यह हम समझते हैं कि यह हमारे सदगुरु हैं हमारे गुरु हैं इस तरीके का प्रचलन चल रहा है। नित्यानित्य विवेक तत् शब्द ही में गुरु भाव जो नित्य तक जो विवेक दृष्टि है वो मतलब हमारी खत्म हो गई। अब शब्द ही में गुरु भाव मतलब जो शब्द है उसको हम बार बार मतलब उस परोक्ष ज्ञान में फंसे हुए हैं और शब्द यहाँ तक अभी प्रचलन में है कि एक माला है और कोई मंत्र आदि है उसी को रट रहे हैं लेकिन उसका क्या लक्षार्थ है इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। स्थिर कीनो लागे चपन ध्येय न लखे स्वभाव। तो जो ध्येय है हमारा जो हमें हमारा वेद अनुभव जिस हमें ध्येय की ओर इंगित कर रहा है वह सब हमारा भूल गया। जब ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई तब भगवान बुद्ध अवतार की वहां पे आवश्यकता हुई। पूर्ण आस्तिकवान अवतार हमें यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि औपधर्म अंजन यही सब वेदन को सार आज ही सदा निज धर्म को करो सर्व व्यवहार। भगवान श्री मानन चैतन औप धर्म के द्वारा सायुज मुक्ति जो है हमें अपने निज स्वरूप को हमें यहाँ पे विज्ञान की रीति के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। तो इस जैसे काजल लगा जाता है अंजन लगा करके हमारी जो जो दिव्य चक्षु की जो प्राप्त होगा और हमारी दृष्टि में दिव्यत्व आएगा जिसे हम अभी तक यदृष्टम तन्नष्टम यह समझ करके व्यवहार कर रहे थे। तो यही जो स्वरूप परमात्मा है इसके साथ हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और भगवान आखिरी में गीता चालीसा यही बैठ लिखी सतलोक कर विचार श्रद्धा लखे हरण करे सबसो। भगवान जो चालीसवें जो लास्ट की हमारा श्लोक है तो ये जो चालीसा है बैठ लिखी सत उस पर पुरुषोत्तम कॉन्शियसनेस पुरुषोत्तम भाव में लिख करके करी विचार इस पे जो विचार करेगा मतलब इसका शब्द लक्ष्य और तद्रूपता हमें ग्रहण करनी कि हम वही मतलब शब्द तक ना सीमित होके कि तद्रूप यही भाव कि कहाँ पे सतलोक मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सदगुरु स्थान है। तो मायन जिस मतलब अपना रूप बता दिया तो वही पहुँचना है हमें करी विचार श्रद्धा लखे। तो हमें इस पे बहुत डीपली फेथ रख करके हरण करे जो सबसो। तो जो हमें पूर्व पीठिका में बहुत सारे श्लोक उनको हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है तो जो सारे जो जागतिक शोक हैं सारे तरीके विभिन्न तरीके के भ्रम हैं ईश्वर परमात्मा आदि आदि के बारे में विभिन्न तरीके के जो भ्रम हैं तो ये कैसे दूर होंगे प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन के द्वारा। जैसे ही हमने अपने स्वरूप का रियलाइजेशन होगा हम अपने निज मूल स्वरूप को जैसे ही पहचान करते हैं तो यह जो सारे जो शोक हैं हमारे हरण हो जाएंगे और फिर अनन्यता ही तारे फिर योग क्षेम है सारे। फिर वो जो अनंत भक्ति है पराभक्ति है हमें निश्चित रूप से जो मुक्तों का निजधाम है वहाँ तक हमको प्रवेश मिलेगा। इन्हीं वचनों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं फिर हम लोग अब सर से आशीर्वचन अब ग्रहण करेंगे। सादर नर्म देहर सर आपका माइक म्यूट है। अभी शुरू हुआ है जी जी हुआ है शुरू ये हाँ हो गया शुरू जी जी हाँ
करो ओए मेरा लल्लो तो प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई कृपा दृष्टि वही मिले। अभी हमारे सामने परमादरणीय उदयराज जी ने जो अपना स्वानुभव स्वयंभू वस्तु दृष्टि से प्रस्तुत किया, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रारंभ में ही उन्होंने गीता का संदर्भ देकर दिव्य दृष्टि ग्रंथ की और विशेषता इस गीता चालीसा की विशेषता विशद की है। भगवद गीता पढ़ते वक्त आप सबों ने भी पढ़ा है, इति गुह्यतमम शास्त्रम, गुह्यतम कह दिया वहां पे पुरुषोत्तम भाव को। आखिरी में भी गीता कहती है कि अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, इति मे ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, विमृष्टे तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। और 18वें अध्याय का ही एक आखिरी का श्लोक है, ये इमं परमं गुह्यम, भगवान कह रहे हैं ये इमं परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति, तो इसमें परम गुह्य इति गुह्यतमं यही समाप्त कर दी। लेकिन उसके आगे जो स्वयंभू पद है, जो स्वसंवेद्य है, उसको वहां स्पष्ट नहीं किया है। और भगवान लिखते हैं कि वह अवतार का ही अधिकार है, निज पद का ही अधिकार है। भगवद गीता कहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, उपदेश देने वाले, लेकिन उसको संकलित करके लिखने वाले जो है वो द्वितीय भूमिका रूढ़ व्यास महर्षि है, इसलिए ये फर्क जो दिखता है वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। सातवें अध्याय सर्वांग योग के सातवें अध्याय के आखिर के जो दो श्लोक है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। और आगे कष्टो इसी को लेकर यहाँ नारायण भगवान अपने निज स्वरूप का यथार्थ दर्शन और अनुभव फिर से हमें दे रहे हैं। तो प्रारंभ कैसा किया उन्होंने कि दिव्य चक्षु दे दिए, लेकिन उसमें स्थिरता आने के लिए प्रारंभ में दिव्य चक्षु के ग्रंथ के हे परोक्ष ज्ञानी जन हो, और आगे भी संबोधन जो है वो आपने ध्यान में लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे संबोधन कैसा है, सुनो सुनो सत्प्रिय सुजन, सत्प्रिय सुजन यानी जिनको सिद्धांत मिल गया है और उस मार्ग पर चलने के लिए जो प्रयत्नशील है वो सत्प्रिय जन है भगवान की दृष्टि से। सुनो छांडी भ्रम भेद, क्योंकि उनका जड़ चैतन्य का अक्षर अक्षर का सगुण निर्गुण का भ्रम निकल गया है। अब ये भ्रम निकल जाने के बाद स्थिति कैसे करना चाहिए स्वयं की, ये भगवान बता रहे हैं।
गुप्त रहस्य प्रकाश, इससे स्पष्ट होता है कि कुछ जो रह गया है गीता में वो यहाँ पे प्रकाश पूर्ण प्रकाशित कर रहे हो। गुप्त रहस्य प्रकाश यह दृढ़ धारे नहीं खेत, अचल स्थिति दृढ़ धारे नारायण पद की स्थिति स्वयं बदला रहे निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव स्वयं परब्रह्म वस्तु जो है उसका स्फुरण उसी का नाम पराशक्ति है। स्फुरण रूप जो भाव वस्तु स्वसंवेद्य है तो स्फुरण रूप भाव क्या है? पराशक्ति है जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, मूल माया। स्फुरण रूप भाव जो है, स्फुरण रूप जो भाव, तो ये भाव अस्तित्व के बिना प्रकट नहीं हो सकता। वस्तु उसकी शक्ति, अब शक्ति दिखती है क्या आपको? शक्ति जब अधिष्ठान सामने आता है, वह व्यक्ति अधिष्ठान हो, विभूति अधिष्ठान हो, या परमेष्टि सद्गुरु अधिष्ठान हो, पुरुषोत्तम पद, उस अधिष्ठान में जो व्यक्ति स्थित है वहां पे पराशक्ति दृश्य हो। इसलिए पहली जो त्रिपुटी है परब्रह्म पराशक्ति और पुरुषोत्तम, तो इसमें बुद्ध सूक्त में भी आपने पढ़ा होगा कि परब्रह्म निज शक्ति की लीला, पुरुषोत्तम निज शक्ति की लीला त्रिपुटी भाव में देखा करते हैं। तो ये त्रिपुटी भाव कहाँ पे है? पुरुषोत्तम पद में है। इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो पुरुषोत्तम पद में पराशक्ति का प्रकाश है। जो पुरुषोत्तम पद पे स्थित हो जाते हैं उनको ये अनुभव आता है कि पराशक्ति ही कार्य के लिए उनका निमित्त मात्र हो जाते हैं। वो अवतार रूप से निमित्त मात्र हो, पराशक्ति अक्षर यही वस्तु अक्षर है यानी अविनाशी है। इसलिए पराशक्ति जो है वस्तु और उसका स्वभाव, उसका स्फुरण भाव स्फुरण वह भी अविनाशी है, और उसी पराशक्ति का स्वभाव जो है जिसमें हमें पराशक्ति के दर्शन व्यक्त रूप से होते हैं वह है परब्रह्म, वह है पुरुषोत्तम पद। तो यहाँ पे परब्रह्म वस्तु, वस्तु की शक्ति और शक्ति को धारण करने वाला जो पुरुषोत्तम पद है वो तीनों भी अभिन्न है। इसलिए परब्रह्म और पराशक्ति ये दोनों पदों को अवाच्य कहा है। अवाच्य का मतलब यह है कि वह निजानंद है, स्वसंवेद्य, सर्वत्र आप ही आप भरे होने से सदरूप ही सर्वत्र दिख रहा है, तो क्या वर्णन कर सकते हैं उसका? इसलिए जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता वह अवाच्य है। अवाच्य का मतलब उसका अभाव है ऐसा नहीं। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, तो अवाच्य का मतलब कोई लोग शून्य कह देते हैं, नहीं। तो ये पद ऐसा है कि शून्य का भी अस्तित्व जो है उसका उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, सर्वत्र देखता है अस्तिभाव। और ये शब्दों में कहा है भगवान ने, नाम रहित जो दृश्यसो विश्व स्वयं भूतो भाव,
नाम ही नहीं दे सकते शब्दों में। वृष्टि नाम में जगत है भाषण अनंत भाव। तो ये जो परम ब्रह्म पराशक्ति और पुरुषोत्तम, तो वाच्य पद जो है पुरुषोत्तम पद है, लेकिन जब सर्वांग योग की तरफ हम जाते हैं तो पुरुषोत्तम पद का दर्शन कराते वक्त भगवान कहते हैं कि नहीं, ये पुरुषोत्तम पद भी त्रिपुटी रहित है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती ने निज रूप लखाने को कल्पना की, तो त्रिपुटी रहित होने से ही इसको अवाच्य कहा है। अब वाच्य कब हो गया? निजानंद अस्तित्व में स्पूर्ण रूप जो भाव पराशक्ति अक्षर यही माया वस्तु स्वभाव, इसी को मूल माया, इसी को यानी जो स्पूर्ण रूप शक्ति है पराशक्ति जिसका नाम हम लेते हैं, तो पराशक्ति आदि माया मूल माया सूक्ष्म माया सब इसी के नाम। और ये शक्ति का प्रकाश धारण करने वाला जो है वो पुरुषोत्तम परमात्मा है। इसलिए यहाँ पे हमारे ध्यान में आ गया कि पुरुषोत्तम पराशक्ति और परब्रह्म इसमें तत्वतः कुछ भी भेद नहीं। अब पुरुषोत्तम में देखिए यहाँ पे त्रिपुटी का उद्भव कब हुआ कि जब संसार के साधु संत लोग प्रभु को शरण गए और पूछने लगे कि भाई इतनी धर्म ग्लानी आ गई है कि ये हटना मुश्किल है, अब उपाय क्या है, वो उपाय हमें बतलाइए। ऐसे विभूतियों का संत महात्माओं का जब प्रश्न सामने आया तब यही पराशक्ति अवतीर्ण हो गई विशेष विभूति के नाम से, विशेष विभूति का स्वरूप धारण करके और अपना ही अवाच्य पद को वाच्य करके। पहले तो पुरुषोत्तम कहते ही उसमें अक्षर और क्षर ये तीन भाव आ गए, लेकिन पुरुषोत्तम में ये तीन है ही नहीं, एक रूप ही है वहां पर। फर्क क्या है कि आप कठोपनिषद का आठवां नक्शा देखिए, हाँ वो इसी से बुद्ध गीता से ही संबंधित है। वहां उन्होंने बतलाया है परब्रह्म पराशक्ति पुरुषोत्तम, यानी परब्रह्म स्वयंभू वस्तु जो है उसकी दो शक्तियां है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो अपराशक्ति पुरुषोत्तम के स्थान में आ गई, इसका मतलब वो कनिष्ठ शक्ति है ऐसा नहीं है, पराशक्ति ही है एक रूप। अब वहां दिखाया है कि पुरुषोत्तम जो है उसकी दो प्रकृतियां है, आप शक्ति जो है जब पुरुषोत्तम ने धारण किया तो उसका नाम वेदों ने रख दिया परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और इसलिए पुरुषोत्तम पद में स्थित भगवान श्री कृष्ण भी अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा, मेरी प्रकृति है पुरुषोत्तम कहते हैं। अपरेयम इति स्तन्या, इसको अपरा कहते हैं, प्रकृति विद्धि में पराम। तो यहाँ भगवान ने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का है। अब यही परा और अपरा जो है इसमें भी त्रिपुटी फूटती नहीं है, क्योंकि पुरुषोत्तम भाव में तो एक रूप ही है, कारण भाव है, महाकारण भाव में तो सवाल ही नहीं, त्रिपुटी का त्रिपुटी रहित का साक्षित्व भाव है महाकारण। पुरुषोत्तम में देखिए अक्षर, पहली त्रिपुटी हो गई, पुरुषोत्तम कहते ही अक्षर और क्षर आ गया। अब वही
शक्ति प्रकृति रूप बन गई तो अक्षर प्रकृति अस्थि भांति प्रियत्व रूप से भगवान समझा रहे। तो अस्थि भांति प्रियत्व में भी तीन नहीं है, अस्थि ही भांति और प्रिय, यानी भांति और प्रिय अस्थि के ही अधिष्ठान पे। अक्षर भाव में भी त्रिपुटी, हम कह देते हैं कि क्षर भाव में त्रिपुटी है, लेकिन त्रिपुटी क्षर भाव में भी नहीं फूटती, क्योंकि वहां पे गुण रूप धारण किया है। अक्षर प्रकृति ने गुण रूप धारण किया और क्षर विराट में सत्व रज तम यह त्रिगुण, त्रिगुण जो है वो साम्य अवस्था में बीज रूप से। अब फुटते जब अष्टधा में आते हैं तो वहां फुटते, और ये जगत है विश्व, देखिए वहां से शुरू हुआ पर ब्रह्म वस्तु विश्व रूप है, तो साम्य अवस्थे तक भी हम आए तो विश्व ही है। तो विश्व के कितने स्वरूप दिखाए सद्गुरु भगवान ने, विश्व का स्थूल स्वरूप क्षर साम्य अवस्था, विश्व का सूक्ष्म स्वरूप अक्षर आत्मस्थिति, विश्व वस्तु का पुरुषोत्तम स्वरूप कारण अवस्था, विश्व वस्तु की कारण अवस्था, और स्वयं परब्रह्म की स्थिति विश्व वस्तु का महाकारण। नक्शों का अभ्यास करते वक्त पहले ही नक्शों में डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने बहुत स्पष्टता से समझाया है कि आस्तिक के पथ का दृश्य क्या है। तो जब हम देखते हैं कि दिव्य चक्षु से विश्व रूप दर्शन होता है, तो दर्शन किसको कहेंगे यहां तक कि जब दृश्य दर्शन दृष्टा ध्याता ध्येय ध्यान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परमात्मा ये तीन एक रूप हो जाएंगे तभी दर्शन होगा ना। तो इसलिए पहले श्लोक में भगवान कहते हैं यहाँ पे यही दर्शन भाव यही ध्यान को ध्येय है, दर्शन भाव अनन्य। हम क्षेत्रज्ञ रूप यही रूप चैतन्य, यही रूप चैतन्य इसका मतलब होता है कि पराशक्ति का प्रकाश पुरुषोत्तम है वही चैतन्य है। और इसलिए नारायण भगवान जब जागृति उनको आ गई इस पथ की, तो उन्होंने क्या नाम धारण किया, माया आनंद चैतन्य। और उसका स्पष्टीकरण भी वे करते हैं कि माया यानी क्षर विराट, देख रहा हूं क्षर स्वरूप, इसको आनंद कहते हैं। और माया का पति जो है वो ईश्वर अक्षर जो है, और दोनों को धारण करने वाला पुरुषोत्तम चैतन्य, तो सर्वत्र चैतन्य है। ये चैतन्यता जागृति, इसलिए सर्वांग जागृति जो है वो भगवान हमें दे रहे हैं आगे श्लोक में। अब आगे के श्लोकों के अर्थ जो है वो ध्यान में लीजिए कि दिखने वाला जो विश्व है, जो सबको दिख रहा है, वह विश्व जिसको साम्यावस्था भी कहा है, क्षर विराट भी कहा है, उस विश्व में जब तीन गुण कार्य में आते हैं तो प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढात्मा यानी क्षर विराट का स्फुरण क्या है, तो क्षर विराट के स्फुरण में अनंत वासना है। मूल माया जो है वो इच्छा शक्ति जो है उसको प्रभु इच्छा कहते हैं, इच्छा करते हैं। वही इच्छा समझाने के लिए कहां तक आई, क्षर विराट तक आई। और यहाँ पे त्रिपुटी जो है वो भगवान कहते हैं कि वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, स्वभाव ने देखी है यानी क्षर स्वभाव में त्रिपुटी देखी है। ये जीव भाव में फंसे हुए जो लोग हैं
उनको समझाने के लिए पहला उन्होंने दर्शन किया कि यही मेरा स्वरूप है। वो दिखा रहे हैं, हे स्वरूप मम महत् ब्रह्म, यह दृष्टि भाव नहीं देखे, आप तो स्वयं विश्व रूप ही हो। तो वो क्रम क्रम से हमें सर्वांग योग के क्रम से ले जा रहे हैं। तो तीन गुण जब फूटते हैं तो भाव का भावना में फंसते हैं और भावना के विकार हो जाते हैं, अनंत विकार, जिसका नाम जगत है। तो आज जो जगत का दृश्य दिख रहा है वो भाव में स्थित नहीं है, भावना में फंसे हैं, अपने अपने सांप्रदायिक भावना में और त्रिगुणों के विकारों में फंसे। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले स्वभाव क्या है वस्तु का, इसका दर्शन होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए उन्होंने परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन ये कहा कि वस्तु और स्वभाव वस्तु का अलग नहीं है, इसलिए क्षर विराट परमात्मा का स्वरूप है। वो भी पूरी तरह अगर ध्यान में आ गया और तद्रुपता आ गई तो आगे पहुंचना जो है बहुत सरल है। अब यही नहीं हुआ तो फिर हम शब्द दोहराते रहेंगे, सर अक्षर पुरुषोत्तम करते रहेंगे, स्वयं को दिव्य चक्षुवान समझते रहेंगे, लेकिन वस्तु दर्शन का व्यवहार जो है वो दिखेगा नहीं, जागृति नहीं दिखेगी। तो इसलिए ये बुद्ध दर्शन का अभ्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही सत्संग में ये पूरा होगा ऐसा नहीं लगा, लगता भी नहीं। अगर आपको आवश्यकता लगी तो इसका और स्पष्टीकरण समझने के लिए आप और हम दोनों मिलकर करेंगे। यहाँ पे मैं रुकता हूँ और कुछ प्रश्न अगर उपस्थित हुए होंगे गीता चालीसा के विषय में चर्चा हो सकती है। तो ये देखिए पराशक्ति कैसे आ रही है। पराशक्ति क्षर अक्षर परा प्रकृति अपरा प्रकृति होगी, क्षर विराट में आते ही अपरा प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक होती हो गई, त्रिगुणात्मक यानी वो अक्षर ही शक्ति। इसलिए देखिए त्रिगुणात्मक शक्ति सर्वव्यापी है लेकिन दिखती नहीं, अक्षर सर्वव्यापी है दिखती नहीं, पराशक्ति पराशक्ति का ही सब रूप। ऐसा अगर समझ में आ गया पूरा ध्यान में तो अलग कहाँ है, सब परमात्मा ही है, सत ही सत दिखा है। इसी को निजानंद का पद कहा, निजानंद अस्तित्व में स्पूर्ण रूप जो भाव पराशक्ति अक्षर यही माया वस्तु स्वभाव। अब कहां माया है वो रही स्वभाव में, सर्वरूप परमात्मा ही है, इसको दृढ़ धारण करना है। तो ये सुनम सुनम सत प्रिय सुजन, ये आपको और हमें भगवान समझा रहे सत प्रिय सुजन, क्योंकि ये विभूति रूप सुने हुए कुछ लोग हैं कि जो सत प्रिय सुजन ये तो है सत में, इसलिए तो सत्संग सत्संग में इकट्ठे हुए। तो महेंद्र कुमार जी, उदयराज जी और कुछ इस विषय में पहले चार श्लोक जो है
इस विषय में कुछ अस्पष्टता रही होगी, तो आप अपने मनन से और कुछ स्पष्ट कर दीजिए। लेकिन मनन की दिशा जो है गीता 40 की, वो इस तरह की होना चाहिए, त्रिपुटी रहित, त्रिपुटी सहित, दोनों रहित, लिखने वाला एक, देखने वाला पुरुषोत्तम परमात्मा ही है सर्वरूप। महेंद्र कुमार जी बोलिए आप कुछ। जी डॉक्टर, ने कहा है कि सूक्ष्म अहंकार से त्रिपुटी का उद्भव हुआ है। तो क्या समझ रहे हैं आप सूक्ष्म अहंकार से? वो जीव का सूक्ष्म अहंकार नहीं है। बुद्धि में स्थित मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, ये सूक्ष्म अहंकार है। पुरुषोत्तम में जो पुरुषोत्तम पद में जो स्थित हुए, स्वभाव बदला है तो अहंकार। तो उसमें जो स्थित हो गए वो क्या कहेंगे? बड़ी आस्तिक के पद का दर्शन हुए ज्ञान लक्ष्य में, मैं परम ब्रह्म। ये व्यष्टि अहंकार नहीं, मैं पराशक्ति का प्रकाश। कौन बोल रहा है? जिसने अनुभव लिया पूरी तरह जाना वही कहेगा। तो ये पुरुषोत्तम कहता है पर ब्रह्म मैं, पराशक्ति का प्रकाश मैं। और इसीलिए समझना है कि पुरुषोत्तम, पराशक्ति और पर ब्रह्म एक ही अनुभव की स्थिति है। माया सूक्ष्म बताए, सूक्ष्म माया है और स्थूल माया तो देखिए कैसे है। स्थूल माया त्रिगुणमयी है, शरीर साम्यावस्था है। तो सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक है और कारण शरीर जो है वो प्रकृति का है, साम्यावस्था के है। तो स्थूल और सूक्ष्म का लय प्रकृति में होता है। तो सूक्ष्म अहंकार यानी त्रिपुटी जीव की कल्पना नहीं है, उसका अर्थ ऐसा समझ लेना चाहिए कि जीव बुद्धि को यहाँ पे त्रिगुण फूटे हुए दिखते हैं। वो स्वयं को अलग समझता है दिखने वाले विश्व रूप से, तो त्रिपुटी का उद्भव हो जाए। कैसे? कि जो दिखा सामने तो दृश्य हो गया, तो मैं देखने वाला दृष्टा हो गया, ये जीव रूप दृष्टा।
अक्षर भाव में की है त्रिपुटी। हाँ, लेकिन शर का शर को पूर्ण अगर जाना और अनुभव हो गया तो यही त्रिपुट यहाँ पर ही त्रिपुटी लय हो जाती है और स्वभाव में स्थित हो जाता है। वो फिर ये नहीं कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये भाषा ही नहीं रहेगी। ब्रह्म कर्म स्वभाव जम स्वभाव जम स्वभाव जम ही रहेगा। वहां से हम टूटे फूटे तो व्यवहार त्रिपुटी में होने लगा, मैं तू का, यही जगत का व्यवहार है और यही जगत के देव है ब्रह्मा विष्णु महेश। विश्व रूप को सब भूल गए, इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, सबो को दिखता है ये प्रत्यक्ष लेकिन जानते नहीं। अरे परमात्मा का स्वरूप देखी, स्वरूप भी दिव्य चक्षु के बिना नहीं दिख सकता, क्योंकि तो बड़े बड़े विद्वान दुनिया में पढ़े हैं, खोज रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट खोज रहे हैं, किसको अनुभव हुआ है कि ये मेरा ही स्वरूप है, मैं इसी तरह दिखने वाले स्वरूप से अभिन्न हूं, मैं अनन्य हूं, ये दिव्य दृष्टि के बिना नहीं दिख सके। तो वो सूक्ष्म अहंकार इसकी तुलना में जब मैं ही संपूर्ण विश्व, ये जो कर कहना पड़ेगा तो ये कारण रूप अहंकार होगा। और आस्तिक के पद का जो है स्वसंवेद्य अस्तित्व में, निजानंद अस्तित्व में पूर्ण रूप जो भाव, तो मां कारण रूप अहंकार है। चारों भी स्वरूप समझना होगा ना फिर अहंकार के। अच्छा प्रश्न है आपका उदयराज जी। जी सूक्ष्म अहंकार के बारे में आप कुछ बतलाइए। नहीं, आपने स्पष्ट कर दिया है तो पृष्ठ पेषण ही होगा, मतलब इसमें जो श्रुती शास्त्र याला सूक्ष्म अहंकार याना मी साचार संबोधित मराठी में पहिल्या चोळीशी संबंधित आहे। श्रुती शास्त्र याला सूक्ष्म अहंकार या नामे साचार संबोधित। और यही हिंदी में कहा है कि इसी को माया सूक्ष्म बताए। ये सूक्ष्म अहंकार जो है वही तो निज रूप से अलग हो गया है, समझ रहा है स्वयं। जीव बुद्धि है, मराठी दिव्य दृष्टि भी एक कॉपी अवश्य रखी है आपके पास जी। हो सके तो दोनों भी अभ्यास के लिए साथ में मनन के लिए उपयुक्त तो होगी।
उसके सात्विक कारण और महाकारण रूप अहंकार जो है उसको भी समझना चाहिए। तो स्थूल सूक्ष्म अहंकार में जीव सृष्टि घूम रही और इसीलिए पुनर्जन्म है। क्षराक्षराची त्रिपुटी जिथून निर्माण झाली ना सूक्ष्म अहंकाराची, तिथून पुढे स्थूल अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम ती त्रिपुटी झाली ना, तर त्या सूक्ष्म अहंकाराची म्हणजे सम्यावस्थेतून आलेली आणि मग त्याला रसत्वर क्षराक्षर पुरुषोत्तम या त्रिपुटीचा उदय हुआ वो पुरुषोत्तम के स्वभाव में से हुआ, जीव का भाव नहीं है। वही क्योंकि वहाँ त्रिगुण सूक्ष्म रूप है ना, और सब जीव भी सूक्ष्म रूप से साम्य अवस्था में है। तो जीव का सूक्ष्म अहंकार 17 तत्वों का होता है नीचे, और वस्तु का परमात्मा स्वरूप का जो सूक्ष्म अहंकार है वो स्वभाव का है, पुरुषोत्तम के स्वभाव का है। उसमें तीन है ही नहीं, एक रूप है, निज रूप एक रूप है तीनों में, इसीलिए तो साम्यावस्था को रूप भी कही है उसको। आपको कुछ विशेष समझता हो तो कह दीजिए, नहीं है बहुत अच्छा समझाया आपने। कर्ता निजानंद की प्रकृति कब होती है, कैसे होती, कैसे होती है? पुरुषोत्तम पद में होगी, पद में होगी निजानंद की प्रकृति पुरुषोत्तम पद में स्थित होते ही होती। नहीं नहीं वो लाइन लेने चाहिए, बहुत आवश्यक है, यही ध्यान को देय है। दर्शन भाव दर्शन भाव और उसी पद में स्थित होते हुए भगवान कहते हैं कि हम सदैव दर्शन रूप ही है, वो है दर्शन भाव अनन्य। तो उस दर्शन भाव में दृश्य दर्शन दृष्टा ये जीव की त्रिपुटी नहीं नहीं है, ध्यान को दे है। भगवान ने सातवें अध्याय में ही समझाया है कि ध्यान का स्थान कौन सा है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। तो क्षराक्षर दोनों में व्याप्त जो है परमात्मा पुरुषोत्तम उसका ध्यान रहे, पुरुषोत्तम भाव से प्रेम रूप प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। तो यही तो है महिमा सद्गुरु की, ये निज बोधार्थ है। गई थोड़ी बात है, बहुत सूक्ष्म है, समझना बहुत जरूरी है। तो वाच्य पद में ही गीता की बड़ी समाप्ति हो गई, लेकिन सर्वांग योग की और भगवान के साहित्य की परिसमाप्ति जो है वो आस्तिक के पद में हुई है, जो वाच्य और अवाच्य दोनों पद की साक्षित्वावस्था में भूमिका सप्त का साक्षी भव स्थिर पावे, इसका ध्यान सदैव करना है।
इसमें जो चौथी लाइन है इसी को श्रुति संत जन माया सूक्ष्मता है, तो इसी को श्रुति संत जन, तो क्या वे जो अपने वैदिक वाण्य में है, नहीं नहीं सर हमारा प्रश्न है कि जी पराशक्ति को माया सूक्ष्म बताए। नहीं, इसमें हमारा पूछना दूसरा है सर कि इसी को श्रुति संत जन, तो जो हमारा वैदिक वाण्य में है तो क्या वहां पर भी मतलब इस जो त्रिपुटी की जो भावना का उद्भव कहाँ कैसे होता है इसका कहीं निरूपण आया है क्या, मतलब या कोई संत साहित्य में? हाँ चौथी लाइन का जो पहला ही श्लोक है सर आधा कि नहीं, तो जो हमारा वैदिक वाण्मय है और संत जो भी मतलब भगवान से पहले, तो क्या इन्होंने कहीं पे मतलब ये जो त्रिपुटी भाव की जो कल्पना का जो सूक्ष्म रहस्य जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया है उद्भव का त्रिपुटी का, कहीं पे ऐसा निरूपण आया है क्या मतलब? श्रुतियों में आया है, संतों ने भी लिखा है। वेदों में भी सूत्र रूप से आया है, और इसलिए माया सूक्ष्म बताए। इसी को श्रुति वाङ्मय में कहीं आदि माया कहा है, कहीं आदि शक्ति कहा है, कहीं मूल माया कहा है, एक ही के नाम है वो पराशक्ति। देखिए ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में देखिए, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यज्जवव्यम सर्वभूमिं विश्वप्रो उत्पाद्य तिष्ठत् दशांगुलम्। और उसके चार पद की कल्पना की है वहां पे उन्होंने, अमृतस्य ईशानः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम अमृत दिवि। त्रिपादस तो ये त्रिपाद यानी पादोस्य विश्वाभूतानि, संपूर्ण विश्व यह परब्रह्म वस्तु का, परमात्मा का एक पाद है। और त्रिपादस्याम अमृतम दिवि जो कहा है वो सूक्ष्म माया का ही विवरण है। पहली त्रिपुटी जब आप रखेंगे, पर ब्रह्म पराशक्ति अपराशक्ति, तो पुरुषोत्तम कोटि स्थान में आ गए, चर के भाव में अपराशक्ति के स्थान में आ गए। जी। अपरा कहते ही उसको माया कहेंगे, पराशक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप है, धारण किया है। सूक्ष्म करता है उसका अर्थ यही लेना चाहिए कि यही पराशक्ति अस्थि भाति प्रियत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है। और सूक्ष्म क्यों कहा कि दिखती नहीं, इसलिए सूक्ष्म है। गुणमयी माया भी कहां दिखती है महेंद्र कुमार जी, दिखती है? पांचों ज्ञानेन्द्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, तो प्रकृति के तीन गुण जगत के देव है उनको जानने के लिए त्रैगुण्य विषया वेदान स्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गुणों को गा रहे वेद, पार्थ तू गुणातीत हो, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो वही गुणातीत हो, यानी स्वभाव स्वभाव में स्थित हो। तो स्वभाव में स्थित होने के लिए स्वभाव का दर्शन तो होना चाहिए ना, इसलिए दिव्य चक्षु प्रथम हमें स्वभाव का दर्शन कराता है, फिर विराट दर्शन योग,
किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन पुरुषोत्तम हम जब कहते हैं तो पुरुषोत्तम में क्षर विराट अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों भाव है उसमें। तो वो हो गया परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए उसके स्वभाव का दर्शन हुए बिगर कैसे होगा? इसीलिए तो सर्वांग योग के 5 अध्याय स्वभाव का दर्शन कराने के लिए लिखे गए हैं। ये तो सीधे कह देते ये लो वस्तु रखिए आप पुरुषोत्तम है, ऐसा नहीं क्या? तो ध्यान में आते रहेगा कि ये पराशक्ति का दर्शन स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, पर ब्रह्म वस्तु का दर्शन स्टेप बाय स्टेप सर्वांग योग में करा रहे हैं भगवान। और उसी स्टेप को उन्होंने कहा स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। चौधरी जी आपको कुछ कहना है? आज ये नहीं दिख रहे हैं राजेंद्र जी। हाँ व्यस्तता थी थोड़ी तो आज नहीं जुड़ पाए वो। अच्छा जी, चौकसी जी समाप्त। तो आज का सत्र हम लोग जो ये बुद्ध गीता बहुत ही महत्वपूर्ण, समाप्त करने के पहले जी हमारे संयोजक जो है सत्संग के उदय राज जी पांडे जी, इन्होंने उनके अनुज के शुभ विवाह के अवसर पर हमें निमंत्रण भेजा है आप सबको, हम उनके सब आभारी हैं और वधु वरों को हार्दिक शुभाशीर्वाद हम सब लोगों के। जी जी धन्यवाद। तो अगले सत्र में हम लोग संभवतः शनिवार को मिलेंगे, तो उसका जो भी कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। तो इसके आगे जैसे 40 लोगों तक हो गया तो सर के माध्यम से आगे का हम लोग मनन करेंगे। सभी को सादर नर्मदे है सर्व मैडम का चरण वंदन जी। जी नरम जय नरम जय नरम जय नरम जय कुछ नरम जय।